नारनोल महेंद्रगढ़ जो सड़क है वो 4 लेन हो रही है और ये बाईपास है। इधर से ये है बाईपास, और आज हम आपको दिखाएंगे कि बाईपास जो है उस पर काम चल रहा है वैसे तो, लेकिन अभी हाल फिलहाल कच्चे रास्ते से जा सकते हैं। ये हमारा जैसे ये एंट्री थी कोथल कला गांव से, और जो नानकवास गांव से और जो खातीवास गांव से जो रोड आता है मेन नांगलिसरोई की तरफ, तो नांगलिसरोई वाली जो ये एंट्री थी उस एंट्री से हमने कट लिया है फिलहाल। और वैसे तो निर्माण कार्य ऊपर के लेवल पे जारी है, ऊपर जो है ना बड़े लेवल पर जैसे जो 4 लेन बनेगा वो है, लेकिन एक यूं ही टेम्परेरी जो है ना ये सड़क मार्ग है, आराम चलाओ भाई आराम से, ये टेम्परेरी मार्ग है और इसके ऊपर गाड़ियां आ जा रही हैं। हालांकि इसमें बारिश के समय में पानी भर गया था थोड़े दिन पहले, और कभी कभार किसी कारणवश यहाँ खुदाई वगैरह चलती रहती है, कोई काम चलता रहता है तो खुदाई वगैरह भी कर देते हैं, तो ये हमेशा ओपन नहीं रहता है। ये थोड़ा सा आपको सुनिश्चित करके जाना पड़ता है इधर से। मैं कल परसों ही इधर से गया था, इस वजह से मुझे अंदाजा है कि यहाँ से हमें अगर नारनौल की तरफ जाना है तो हम नारनौल की तरफ इजीली जा सकते हैं। इससे होगा क्या, हमें बेनिफिट क्या होगा, हमें बेनिफिट होगा कि हम नांगल सिरोही के अंदर जो गड्ढे हैं उनसे बच जाएंगे। और ये अब जो सड़क मार्ग आएगा बीच में, ये जो सड़क मार्ग है इधर तो नांगल सिरोही गांव है, और इधर जिधर ये 4 लेन बन रहा है मान लो, और इधर जो आपका ये स्कूल दिखाई पड़ रहा होगा किडजी स्कूल है नांगल सिरोही का, और इधर आपका जो सीधा ये रास्ता जाता है, ये रास्ता जाता है डेरोली जाट को। तो डेरोली जाट के इस रोड को हम यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, और अब वापस से हम आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं। ये है वो किडजी स्कूल जो मैं आपको बता रहा था। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि बाईपास की जो सर्विस है वो आपको दिखाई पड़ेगी। यहाँ से डेरोली अहिर के लिए जो नांगलिसरोई से कच्चा रास्ता जाता है, जो जाता है आपका वाटर पार्क के सामने से, आपने देखा होगा काफ़ी बार वाटर पार्क इधर है, मैरिज हाउस भी है और आवासिंग सरपंच का है ये, और नांगलिसरोई जो पूर्व आवास पूर्व सरपंच है लक्ष्य वाटर पार्क है यहाँ पे, तो लक्ष्य वाटर पार्क के पास की बात है ये। और रास्ता है इधर से अभी कच्चा जो रास्ता है ना, ये 4 लेन की जगह है जिस जगह से हम चल रहे हैं फिलहाल। ये जो जगह है ये सारी 4 लेन की ही जगह है। इधर ये जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा जहाँ तक रास्ता इधर है, और उधर आपको दिखाई पड़ रहा होगा वो खाली जगह जहाँ तक छोड़ रखी है। काफ़ी लंबी चौड़ी जो है ना ये जगह है, और काफ़ी साफ सुथरा ये जो है सड़क बनने वाला है। इस सड़क के ऊपर काम जारी है और पीछे से सड़क बनती हुई आ रही है। ये बाईपास है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से बाईपास होकर जाएगा, इसको समतल कर दिया गया है वेरियस जो JCB हैं उनके माध्यम से। और जब हमें कभी नारनौल जाना होता है तो आने वाले समय में तो हमारे लिए सड़क भी उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है सड़क नहीं है, कच्चा रास्ता है, क्योंकि जगह जगह पर काम चल रहा है और ये टेम्परेरी, जैसे JCB स्वयं भी आती जाती होंगी और दूसरे भी जो ट्रक वगैरह जो इनके फॉर्मेशन के लिए जो गाड़ियां हैं वो आती हैं सड़क बनाने के लिए जो गाड़ियां हैं, तो ये है उनके द्वारा बनाया हुआ रास्ता जिस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है फिलहाल कि हम नांगलिसरोई को पूरा क्रॉस करके और नांगलिसरोई से आगे नारनौल की तरफ निकलेंगे। आपने पेट्रोल पंप देखा होगा नांगलिसरोई से निकलते ही, उससे भी आगे हम निकलेंगे। और ये देखो कितनी चौड़ाई, आप देखिए ये देखो पूरा चौड़ा है, ये बाईपास पूरा चौड़ा बनने वाला है इधर से उधर तक। देखो कितनी लंबी चौड़ाई वाली ये जगह है, और आप ये मान के चलो जहाँ हम चल रहे हैं तो डिवाइडर वाली जगह है, सिर्फ डिवाइडर के ऊपर से हम जा रहे हैं। और ये एक भाई बाइक लेकर आया और बिल्कुल ढोल मचा दी इसने तो, ओहो क्या बात। अच्छा ये आपने शिव भोले जी की जो है ना मूर्ति दिखी होगी, जब आप कभी नारनौल रोड से जाते होंगे नांगल सरोवर के अंदर प्रवेश करने से पहले, ये प्रतिमा जो है आपने देखी होगी शिव भोले की, तो इस प्रतिमा के सामने से जाएगा ये बिल्कुल जो है बाईपास, प्रतिमा के सामने से निकलेगा। तो यहाँ पर आगे काम चल रहा है फिलहाल, ये प्रतिमा रही देखिए, ये प्रतिमा रही और इसके सामने जाएगा, आगे काम चल रहा है। तो यहाँ से अब हम टर्न ले लेते हैं, और वैसे भी जैसे ये आगे कच्चा रास्ता जो है, लेकिन हमने यहाँ टाइल्स वाले रोड का इस्तेमाल किया है, और अब हम मात्र कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करते हुए मात्र 5 मिनट में, क्योंकि ये 5 मिनट की वीडियो बनी है यहाँ तक, 4:50 सेकंड हुए, तो मात्र 5 मिनट के अंदर हमें ना
वहां से और यहाँ तक आ चुके हैं और इससे ज्यादा समय लगता है अगर हम नारनौल के अंदर से आते। अब हम नारनौल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आपने रचना कॉलेज एंड ऑफ नर्सिंग देखा होगा, यहाँ पर आके ये जो बाईपास है ये बाईपास निकलता है। तो आपको ये हमने अपनी तरफ से एक अपडेट दी क्योंकि हमें दिखाना था कि किस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है बाईपास का और कैसा बाईपास का आज की डेट में जो है ना लुक है अपने आप में। तो ये निर्माणाधीन है फिलहाल, बाकी इससे जुड़ी और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।